एमपी उपचुनाव के नतीजे, खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त। बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल 77,000 वोट से आगे। पृथ्वीपुर में बीजेपी जीत चुकी है, 17,000 से ज्यादा वोटों से जीती है और तकरीबन 15,000 वोट से ज्यादा से जीती है। शिशुपाल यादव ने नितेंद्र राठौर को हराया। रैगांव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और तकरीबन 12,000 वोटों से ज्यादा से जीती है। कल्पना वर्मा जोबट में 6,080 वोटों से बीजेपी को जीत मिली है। चार सीटों पर उपचुनाव, एक में कांग्रेस ने कब्जा जमाया तो दो पर बीजेपी कब्जा जमा चुकी है, पृथ्वीपुर और जोबट। रैगांव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और खंडवा की बात करें, एक लोकसभा सीट ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी के 80,000 वोट से आगे चल रहे हैं। जी हाँ, जीत के काफी करीब ज्ञानेश्वर पाटिल। नंदकुमार सिंह चौहान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और ज्ञानेश्वर पाटिल पर भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी ने और वो भरोसा का सही साबित होता जा रहा है क्योंकि ज्ञानेश्वर पाटिल 80,000 वोट से आगे चल रहे हैं। जीत का जश्न हर तरफ। कल तक हम कह रहे थे किसका होगा मंगल और किसका अमंगल, लेकिन बीजेपी में मंगल ही मंगल ऐसा साफ तौर पर देखा जा सकता है। रैगांव को अगर छोड़ दें, रैगांव में 10-12 हजार वोटों से जीत दर्ज की है कल्पना वर्मा ने, लेकिन उसके अलावा बाकी तीन सीट जिसमें एक लोकसभा सीट नतीजा नहीं आया है लेकिन जीत के काफी करीब, 80,000 वोट से आगे चल रहे हैं ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा में और बाकी दो विधानसभा सीट जोबट और पृथ्वीपुर में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है।